outgoing president or bombing ka na ba na grand union. First of all, my heartless respect goes to today's chief guest. आज ये बॉम्बिंग कंसल्टेंसी का बहुत अच्छा दिन है। एट जनरल कॉन्फ्रेंस आप कल हुआ इलेक्शन काम सिलेक्शन जो उसमें हमको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, बहुत अच्छा है। वो लड़का लोगों ने यहाँ लद्दाख में लगा है, यहाँ में बॉम्बिंग कंसल्टेंसी 3 सर्कल है और रिमोट सबसे रिमोट एरिया जो लद्दाख है, लद्दाख में ये लोग ये लाया है कि हमको चीफ गेस्ट विटनेस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बंबू रिसोर्स डिपार्टमेंट में अभी चला रहा है पेमा खांडू गवर्नमेंट में, उन्होंने हमको यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया विटनेस करने के लिए। सचमुच में यहाँ में लड़का लोग जो भी बनाया अच्छा किया है। यहाँ में दुख तकलीफ यहाँ हम लोग का यहाँ इंटेलेक्चुअल फ्रम है, इंटेलेक्चुअल का जगह आज का ये प्रोग्राम जो है। तो यहाँ में मेडिकल नहीं है, यहाँ में स्कूल सही नहीं है, बेंच टेबल नहीं है, उसका रोड कंडीशन ठीक नहीं है, उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसी को ये लोग फाइट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप उतारने के लिए अभी आउटगोइंग और जो कमिंग प्रेसिडेंट बनने वाला वो लोग करना चाहिए। हम विश्वास करता है कि हम लोग का अच्छा युवा नेता मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी समझेगा लद्दाख का दुख तकलीफ को प्रॉब्लम, जो सबसे भी जो भी अच्छा काम किया वाला सोचेगा। हम तो विश्वास करता है कि मेरा MLA मेरा वो जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जो पेमा खांडू लद्दाख में एक बार विजिट करें। आपको मैं विश्वास करता हूँ कि लद्दाख बहुत अच्छा प्लेस, टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ में हम लोग का रिसेंटली बहुत दुर्घटना हुआ तापी महाराज जी ने, ये सामने में है, यहाँ से 2-3 दिन हम लोग रास्ता पहुँच सकता है बाय फुट, लेकिन यहाँ में टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ में हम लोग का रोड कंडीशन सही नहीं है। अगर उसको हम लोग अच्छा रोड कंडीशन लेके आएगा, हम विश्वास करता है कि ये जो है हम लोग का इस कमिंग में टूरिस्ट प्लेस बनेगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी अच्छा काम कर देगा और ये डेवलप लाया देगा बोल के। और हम भी ये विश्वास करता है, मेरा ये जो इलेक्टेड टीम अपकलसुआ इलेक्टेड टीम जो अच्छा काम करेगा बोल के विश्वास करता है कि ये जो टीम डेवलपमेंट बॉम्बिंग के लिए बनाएगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छा दिन आएगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं भी तो गवर्नमेंट में मेरा लेवल में जो पॉसिबल है तो हम गवर्नमेंट को बताएगा ही। अभी यहाँ में हम लोग का सही से कोई भी डेवलप नहीं हो रहा, हमेशा यहाँ का MLA बनता है, मंत्री भी बन के आया, लेकिन डेवलपमेंट अरुणाचल में सबसे पोर डेवलपमेंट बॉम्बिंग कंसल्टेंसी है। और ये हम मानता है कि हम लोग का ओल्डेस्ट एट बॉम्बिंग कंसल्टेंसी जो है 1952 से खुला हुआ है। अभी हमको पाखे कैसे चोर के चल जा रहा है, ताजो हमसे डेवलप हो रहा है, उसका बाद जो सपा डिस्ट्रिक्ट हो गया पाखे कैसे अभी बटोरा हुआ है वहाँ भी डिस्ट्रिक्ट होगा, हम जैसे पहले का वैसा ही है। इसको ये दुख तकलीफ को हम संदेश देना चाहता है कि हम लोग का जितना जानकारी यहाँ का बॉम्बिंग कंसल्टेंसी का वेल विसर लो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है,
पॉलिटिक्सन लोग मिल के बिजनेसमैन हम लोग मिल के अच्छा दिशा में बामिंग को दिखना चाहूँगा कि हम लोग मिल के काम करना पड़ेगा मिलजुल के। इसलिए मैं आज लड़का लोगों का चीफ गेस्ट कहने पर मैं आया है। अभी तो हम प्रेजेंट गवर्नमेंट में हम मुख्यमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि हमारा बामिंग लद्दाख को तो देख दीजिए। ये मैं भी कहना चाहूँ, हम लोग यहाँ त्री कम्युनिटी रहता है, निशी है, प्रुई है, साजोलंग, हम त्री कम्युनिटी यहाँ रहता है। लेकिन हम बिल्कुल भी कुछ डेवलप नहीं है, जैसे ही वैसे है, जैसे पहले था 1952 से वही सेम केसेस में बैठा हुआ है। ना मेडिकल है, ना टीचर का पोता रहे, ना सीओ पोता रहे, ना क्या कुछ भी स्टाफ का नहीं। इसलिए हम बहुत दुख है, हम यहाँ का आदमी होके भी बहुत दुख लगा है कि आके बहुत दुख लगा है। इसको हम विश्वास करता है कि मेरा सरकार कुछ करेगा, मेरा लड़का लोग भी काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।